गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर. बहुत ज़्यादा वाटर, बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ही कम पानी. ठीक है, इसके बारे में चैप्टर है हमारा वाटर के बारे में कि बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी है. इसके बारे में देखो, व्हाट टू ड्रिंक, कैसा पानी पीना चाहिए हमें, क्या पानी पीना चाहिए. नालामादा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नालामादा एक जगह है, उसका नाम है. सुगना वॉज रीडिंग हर बुक वैन शी हर्ड समवन एट द डोर. सुगना जो है अपनी बुक की रीडिंग कर रही थी और उसी टाइम जो है उसने किसी की अपने दरवाजे पे आवाज सुनी कि उनके दरवाजे पे कोई आया है. शी सॉ दैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी. उसने देखा कि शहर से कोई विजिटर, मतलब कोई जो मिलने वाला जो है उनके यहाँ आया हुआ है. अप्पा वेलकम द गेस्ट. अप्पा उसके फादर हैं, जो उनको वो अप्पा कहते हैं ये लोग, ये आंध्र प्रदेश में वो अपने फादर को अप्पा कहते हैं. उसके पापा ने जो है जो गेस्ट आए थे उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया. ही टोल्ड सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. उन्होंने सेल्वा को कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोला. अब देखो, घर में कोई गेस्ट आते हैं तो फिर उनको पानी वगैरह सर्व करते हैं कि बाहर से आए, तो उसके फादर ने क्या बोला, सीधा उनको कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोल दिया अपनी बेटी को कि जाओ तुम कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ. द गेस्ट सेड, गेस्ट ने कहा, जो मेहमान था उसने कहा, आई डो नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता हूँ. आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे केवल तुम एक गिलास पानी दे दो. अप्पा सेड, अप्पा ने कहा, दीज डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. कहते इन दिनों जो है हमारे पास यहाँ जो है पानी जो है बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है, जो उपके पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है. इट डज नॉट इवन लुक क्लीन, ये कि जबकि दिखने में बिल्कुल क्लीन भी नहीं है, गंदा पानी है बहुत ज्यादा, दिखने में क्लीन भी नहीं है. इट वुड बी बेटर इफ यू नॉट डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, उससे अच्छा यही है कि यदि तुम इस पानी को ना पियो. वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट. उसके पापा कहते हैं कि हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है दूसरी, और हम इसको फिर पी लेते हैं क्योंकि गेस्ट है, गेस्ट को तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने को दे रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए तो हर बार बार अपनी प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक बार बार परचेज नहीं कर सकते, है ना, बार बार पी नहीं सकते, तो वो तो मजबूरी में उस पानी को पी रहे, लेकिन उन्होंने अपने गेस्ट के लिए तो कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे. बहुत ही गंदा पानी था जो बिल्कुल वो किसी को दे नहीं सकते थे. डिस्कस है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है देखो आपके. हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी. वो कहते हैं कि बताओ, ये जो गंदा पानी होता है ये हमारी बॉडी के लिए अनक्लीन वाटर या डर्टी वाटर कैसे होता है. अनक्लीन वाटर या डर्टी वाटर कैन गेट मैनी डिसीजेस. ये जो है अनक्लीन या डर्टी वाटर जो होता है वो हम कई तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में लेके आता है. अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हमें बहुत तरह की बीमारियां लग जाएंगी. हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया. क्या तुमने कभी अपने एरिया में अनक्लीन या डर्टी वाटर देखा है. यस, हमारे यहाँ एरिया में तो यहाँ पे कितना कई बार गंदा पानी आता, देखो पाइपलाइन से जब मोटर ऑन करते थे पाइपलाइन में कितना गंदा एकदम कीचड़ वाला पानी आ रहा होता है, बहुत ही गंदा. व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है कि पाइपलाइन जो होती है, डर्टी वाटर कम्स इन द टैप बिकॉज द लीकेज ऑफ पाइपलाइन. पाइपलाइन की लीकेज, देखो जगह जगह रोड में खुदने के कारण गलियां बार बार खुदती रहती हैं, कभी किसी को कुछ काम है किसी को कुछ काम है, तो खोदने के कारण जो पाइपलाइंस होती हैं वो कहीं से टूट जाती हैं या उनमें चटक आ जाती है या कहीं उनमें होल हो जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि पानी गंदा हो जाता है. जो नाली का पानी है या रोड में जो पानी भरता है वो उन पाइपलाइंस में आता है, वही फिर गंदा पानी हमारे घरों में साफ पानी के साथ मिक्स होकर आ जाता है. इसका मेन रीजन यही है कि पाइपलाइन में लीकेज होना. डू यू नो Anyone who has fallen sick because of such water, talk about this. क्या तुम जानते हो कि इससे कभी कोई बीमार हुआ. हाँ बेटा, अनक्लीन डर्टी वाटर पी के तो कितने ही लोग बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा पी लिया, जॉइंडिस और ये टाइफाइड वगैरह जो होती है, लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादातर गंदे पानी से होती हैं. When the guest came to Sugna house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Sugna's family must be doing for their own drinking water?
देखो सुमना के घर में जब गेस्ट आए थे तो उन्होंने उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया था, क्योंकि वो उन्होंने सोचा था कि जो है वो उनको वो उन्होंने अपने गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक दे दी, क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि जो है उनका जो गेस्ट है वो उस पानी को नहीं पिएगा जो गंदा पानी है। क्या तुम सोचते हो कि सुगना की फैमिली को अपने लिए पानी को कैसा पानी उनको पीना चाहिए, किस तरह का पानी पीना चाहिए उनको? तो सुगना की फैमिली को कैसा पानी पीना चाहिए, उनको वाटर को पहले बॉयल करना चाहिए, जो उनके घर में वाटर आ रहा है उसको बॉयल करने के बाद फिर उसे फिल्टर कर दें। फिल्टर करने के बाद जो वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, उसको तब ड्रिंक कर लो। द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, वाई डू यू थिंक ही सेड? जो जो गेस्ट आए थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो कोल्ड ड्रिंक को नहीं लेंगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक तरह से ये इसमें आता है, जंक फूड के अंदर आता है बेटा। तो जंक फूड तो वैसे भी जो है हम कितनी सारी बीमारियों को लेकर आते हैं, अगर हम लोग जंक फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह या जो भी जंक फूड है, ये बर्गर वगैरह, चाउमीन, ये मंचूरियन वगैरह, कितनी सारी चीज़ आ रही है, मोमोज वगैरह, इनको ज़्यादा हम खाएंगे डेली में तो उससे क्या होगा, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे और कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेंगी। तो इस तरह जो है ये कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड वगैरह इनसे बचना चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनको अपने खाने में नहीं लाना चाहिए। इसलिए देखो उनके गेस्ट समझदार थे, उन्होंने जो है सीधा मना कर दिया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक मत देना। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वाटर गेम्स। बाजार गांव महाराष्ट्र, बाजार गांव महाराष्ट्र में देखो, देयर वॉज ए बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। वहाँ बाजार गांव के पास एक बहुत बड़ा वाटर पार्क था। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। एक दिन रोहन और रीना अपने मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स। रीना सेड, लुक रोहन, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। वहाँ पे बहुत सारे वाटर फाउंटेन, पानी के फुहारे थे। रीना ने कहा, देखो रोहन, देयर आर वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर राइड्स है, मतलब वाटर में राइड्स होती है ना, झूले जैसे होते हैं, यहाँ से वहाँ से पानी में जाना, छपाक लगा के आगे बढ़ना, इस तरह से कि यहाँ पे कई सारे जो है वाटर राइड्स हैं। एंड लुक एट द ऑल दिस, और देखो उन सबको वहाँ पे, बिग पॉन्ड्स, लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, और वहाँ पे देखो जो है बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स भी हैं। रोहन सेट, रोहन ने कहा, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, बोथ टर्न अराउंड, दे सा अ लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम 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 जूम। उन्होंने देखा, रोहन ने कहा स्प्लैश, बस अपन कि दोनों एकदम, रोहन ने ऐसे आवाज़ निकाली, इतने में इनके पीछे से वो दोनों टर्न हुए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पानी जो है बिल्कुल जूम में उनके पीछे से उधर से आ रहा था। ये देखो इधर, ये देखो बच्चों की, देखो वाटर पार्क में राइड्स वगैरह है, इस तरह से पिक्चर है। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल साइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। बच्चे जो है वो स्लाइडिंग में ऐसे ऊपर से, बहुत ऊपर स्लाइड से नीचे आ रहे थे, ये देखो स्लाइडिंग में, और नीचे एकदम जो है वो वहाँ से जब नीचे लैंड कर रहे थे तो नीचे पानी में वो एकदम बहुत ज़्यादा ऊंची, काफ़ी स्प्लैश की आवाज़ में नीचे को आ रहे थे वो लोग। अब देखो इतनी स्लाइडिंग में बच्चे इतनी स्पीड से ऊपर से, यहाँ से ऊपर से नीचे से, यहाँ से इधर से इतनी स्लाइड में ऊपर से नीचे को आएंगे तो जब स्पीड से नीचे को आएंगे पानी में गिरेंगे तो पानी में काफ़ी जोर से आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ जो है इन बच्चों के गिरने से भी आ रही थी स्प्लैश स्प्लैश की। रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव, वूश, विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वॉटर। रीना गेव अ शिंग ऑफ सरप्राइज। जो है रोहन जो है वो, रोहन एकदम हाई स्विंग से जो है बहुत जल्दी से ऊपर से बड़ी उसमें हुश में नीचे आया और कुछ ही सेकंड में वो वाटर में लैंड हो गया और बहुत तेजी से एकदम नीचे से आ गया था। रोहन जब ऊपर से बड़ी स्पीड में कुछ ही सेकंड में जल्दी से नीचे को आ गया तो रीना जो है वो एकदम सरप्राइज वाली उसने चीख निकाली अपनी, जैसे हैरान वाली चीख होती है ना, एकदम हैरान वो उस तरह से श्रीक उसने आवाज निकाली अपनी। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। उसी टाइम उन्होंने जो है काफी बहुत जोर से आवाजें सुनी और बहुत जोर से आवाजें आ रही थी। वो कहाँ से आ रही थी वो आवाजें? वो पार्क के बाहर से आवाजें आ रही थी। एवरी वन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट। हर कोई जो है मेन गेट की तरफ भागा।
और जैसा आवाजें आ रही थी तो हर कोई दरवाजे की तरफ चले गए, जितने भी अंदर वाटर पार्क में खेलने के लिए आए हुए थे लोग। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। वहां पर जो है बहुत बड़ी भीड़ थी लोगों की, काफी बड़ी भीड़ थी वहां दरवाजे पे, मेन गेट पे। तो लोग जो है खाली बाल्टियां लेके वहां पे थे, पॉट्स लेके वहां पे आए हुए थे। दरवाजे पे बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग अपने जैसे मटके, पानी के बर्तन जो भरने के होते हैं, बाल्टियां वाल्टियां, वो लेके वहां पे आए हुए थे। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग अ एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा देखो ये रहा पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, वो जो है एक खाली बोतल लेकर वो भी अपनी मम्मी के साथ उसको भर आया हुआ था उसको लेके। छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी खाली बोतल लेके वो भी अपनी मम्मी के साथ चिपका हुआ था। देखो ये बच्चा देखो यहाँ रखा अपनी बोतल लेके, वो भी पानी पानी के लिए, पानी नहीं उनके घर में तो ये भी बोतल लेके आ गया, मम्मी पे चिपका हुआ था एकदम ही। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन क्राउड। रोहन की मम्मी जो है, रोहन की मम्मी मम्मी जब वहां पे गई थी तो एक औरत जो है भीड़ में से चिल्ला रही थी, व्हाट इज द मैटर शी आस्क्ड। तो रोहन की मम्मी वहां पे गई थी, उन्होंने पूछा एक औरत से कि तुम क्या मैटर है, क्या बात है, बताओ तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो, क्या बात है। तो द वुमेन रिप्लाइड एंगरली। जो जिस औरत से रोहन की मम्मी ने पूछा था उस लेडी ने जो है गुस्से में जवाब दिया, यू आस्क व्हाट इज द मैटर, तुम पूछ रही हो क्या बात है। Our wells have no water. हमारे कुओं में पानी नहीं है। We get our water only when the tanker comes once a week. हम लोग जो है हमें पानी कब मिलता है, जब हफ्ते में केवल एक दिन टैंकर आता है तब हमें पानी मिलता है। Today even that has no come. और आज यहाँ तक कि वो भी नहीं आया। And here, और यहाँ देखो, there is so much water everywhere. यहाँ पे यहाँ चारों तरफ इतना पानी है, सब जगह इतना सारा पानी है यहाँ पे। जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय, वो भी केवल तुम्हारे खेलने के लिए और एंजॉय करने के लिए। टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। देखो बेटा इधर गुस्सा आएगा कि वहीं पे गांव है यार, वहीं पे पार्क खोला अगर, गांव में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा लोगों के पीने के लिए, काम करने के लिए, और हफ्ते में केवल एक दिन टैंकर आता और उस दिन भी टैंकर नहीं आया, तो वो लोग गुस्सा होकर पार्क की तरफ आ गए कि तुम लोगों की देखो यहाँ पे इतना पानी है तुम्हारे खेलने के लिए, झूले झूलने के लिए, जगह जगह भी इतने बड़े पॉन्ड बना दिए तुमने और हमारे पास पानी नहीं है। तो गुस्सा तो आ जाएगा, इसलिए वो लोग पार्क की तरफ आए थे कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है, जैसे आपके लेसन के अकॉर्डिंग है, टू मच वाटर पार्क में हो गया, एंड टू लिटिल वाटर कहाँ हो गया, ये जो गांव है बाजार गांव जो है पार्क के पास है, वहाँ टू लिटिल वाटर है। ये आपके लेसन के अकॉर्डिंग देखो वही बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं फिर आपको सेंड कर दूंगी। ये मैं आपको, हैव यू एवर सीन फेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस, आपने कभी इस तरह से फेस किया। यस वी ऑलवेज हैव फेस्ड मैनी टाइम, हम तो कई बार इस तरह से पानी की शॉर्टेज को फेस करते हैं। हमारे यहाँ कॉलोनी में तो वैसे पानी बिल्कुल आता ही नहीं है, बहुत ही कम पानी आता है, तो ये तो रेगुलर ही है हमारा। वैन का मतलब ये तो ऑलवेज ही रहता है यहाँ तो पानी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो तो भी यहाँ पानी नहीं आता। व्हाट डू यू डू देन, हम क्या करते हैं, टैंकर से पानी भरते हैं। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, क्या तुमने कभी पानी में खेला है, वेयर एंड व्हेन, हमने पानी में खेला लेकिन हम कब खेलते हैं वाटर में, जब बारिश हो रही होती है तो वैसे तभी खेलते हैं, नहीं तो वाटर पार्क में तो वहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हर कोई वहाँ जा नहीं सकता। आर देयर मैनी टाइम्स वेन यू आर नॉट अलाउडेड टू प्ले इन वाटर, वट आर द रीजन फॉर दिस। इन्होंने बोला कि आर देयर टाइम्स वेन यू आर नॉट अलाउडेड, क्या वो कभी टाइम आया कि जब तुम्हें अलाउड नहीं किया गया पानी में खेलने के लिए, वट आर द रीजन। हाँ जी, हमें जैसे कई बार पानी आता है, लगातार पानी आता रहता है, गर्मियों में टंकी भर जाती है, घर के सारे बर्तन भर जाते हैं हमारे, तो बच्चे जो होते हैं ना वो रनिंग वाटर में नहाने लग जाते हैं, है ना, तो उससे मना करते हैं ना पेरेंट्स, नहीं नहीं भी ज़्यादा देर तक मत रहो, फिर पानी की जैसे आगे गलियों में नहीं पहुँचे, इस वजह से उस टाइम मना कर दिया जाता है कि पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। हैव यू सीन द वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, आपने कभी अपने एरिया में वेस्टेज ऑफ वाटर देखी है। यस, हमने देखी है वेस्टेज ऑफ वाटर, जिन जब कई लोगों के घरों में जैसे हैंडपम्प लगा रहता है या समरसीवर होता है, तो वो लोग देखो अपने वॉल्स वगैरह को या ऐसे गलियों को
पाइप लगा के धो रहे होते हैं, तो ये गलत बात है। किसी किसी के घर में तो बिल्कुल पानी होता ही नहीं, और कई लोग जो है समरसीवर का यूज़ करके वाटर को वेस्ट कर रहे होते हैं, तो गलत बात है। द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन इन बट द नियर बाई विलेज पीपल डू नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट, इन्होंने यही बोला कि इसके कि देखो वाटर पार्क में इतना सारा पानी होता है लोगों को खेलने के लिए, लेकिन वहीं पास में जो गाँव है वहाँ लोगों के पास पानी बिल्कुल नहीं होता, यहाँ तक कि उनके पीने के लिए भी पानी नहीं है। इसके बारे में क्या डिस्कस है? देखो ये तो गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था वहाँ पे, है ना, क्योंकि वाटर पार्क, क्योंकि वाटर पार्क वाले भी अपना करें पानी को इस छोटा, ज़्यादा बड़ा मत बनाए, छोटा ही बना दें से, लेकिन लोगों के लिए तो वहाँ पहले पानी होना चाहिए ना, खेलना और इन्जॉय करना तो बाद में हो, पहले तो ड्रिंकिंग के लिए और हमारी डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वाटर होना चाहिए, पार्क के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अगर आप कभी वाटर पार्क जाते हो तो वहाँ जाके पता करिए, देखो कि वाटर पार्क में वाटर जो है वो कहाँ से आता है। इसको इतना उसको रिवाइज करो, इसके मैं क्वेश्चन आंसर देखती हूँ, सेंड कर दूंगी नहीं तो आपको।